नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अंकिता है। मैं इंदिरा IVF की वडोदरा शाखा में एज अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट काम करती हूँ। कोई भी कपल जो IVF ट्रीटमेंट कराता है वो मेंटली और फिजिकली ट्रीटमेंट के साथ में जुड़ा हुआ होता है, और ऐसे में यदि कपल को पता पड़े कि उसका साइकिल फेल हो गया है तो उनका निराश और हताश होना लाजमी है। पर ऐसे कपल्स को हमारी एक ही सलाह रहती है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपका केस फेल क्यों हुआ है, केस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करवाना है, और आने वाले ट्रीटमेंट के अंदर एडवांस टेक्निक्स का यूज करके, जैसे ब्लास्टोसिस्ट टेक्निक, जिसमें D3 के नहीं D5 के एम्ब्रियो ट्रांसफर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेजर असिस्टेड हैचिंग, मतलब भ्रूण के बाहरी आवरण को लेजर की किरणों से पतला करके फिर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, PGTA मतलब जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोज, आपके जो भ्रूण ट्रांसफर किए गए हैं वो जेनेटिकली हेल्दी हैं या नहीं वो करवा सकते हैं, ERA एंडोमेट्रियल रिसेप्टिव ऐसे, मतलब जब आपका भ्रूण ट्रांसफर किया गया आपका एंडोमेट्रियम या परत रिसेप्टिव थी या नहीं, ऐसे एडवांस टेक्निक्स का यूज करके आप सक्सेस की रेट को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं है कि हमें इतने समय का ब्रेक लेना चाहिए। यदि कपल मेंटली रेडी है तो वो उसके इमीडिएट साइकिल में या एक महीने का गैप देके उसके अगले साइकिल में भी ट्रीटमेंट चालू करवा सकते हैं।